हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको करके बताने वाली हूँ अंडर आर्म्स। तो आज आपके जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लगाना है टेलकम पाउडर, ताकि जो भी स्वेट है, जो भी उन्होंने डिओड्रेंट वगैरह लगाया है, वो जो है बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो हमें जो है स्किन बिल्कुल ड्राई चाहिए और आपको एसी भी फुल चाहिए गर्मियों में। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि जो हनी वैक्स है वो एसी के बिना नहीं होती है। उसके बाद जो है आपको अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन जो है आपको वैक्सिंग जो अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे क्लाइंट के जो बाल थे वो दो डायरेक्शन में थे। जो ये वाले जो बाल हैं इनके अपवर्ड थे, तो मैंने जो है पहले अपवर्ड लगाया था, नीचे वाले बालों को मैंने छोड़ दिया था। और यहाँ पे मैंने क्लाइंट को स्ट्रेच करने के लिए बोला है, स्ट्रेच करके आपको जो है पट्टी रखनी है। पट्टी को आपको हल्का सा जो है पुश करना है एंड थोड़ा सा रब करके उसको जो है डाउनवर्ड खींच देना है। एंड इंस्टेंटली ही आपको दूसरा हाथ जो है रखना है, ताकि उनको पेन जो है कम हो। उसके बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल बाल जो क्लीन हो चुके हैं। और यहाँ पे भी उनके बाल जो है दो डायरेक्शन में थे जब मैंने ध्यान से देखा। तो यहाँ पे इनके बाल जो अपवर्ड है और दूसरी तरफ से जो बाल मैंने छोड़े हैं वो डाउनवर्ड है। तो जो बाल मेरे अपवर्ड है उसको मैंने अपवर्ड लगाया है। तो आप सोच रहे होंगे कि डबल डबल मैं क्यों लेयर लगा रही हूँ। सो डबल लेयर लगाने का ये फ़ायदा है, इससे जो है ग्रिप जो है कभी भी छूटती नहीं है एंड आपके बाल जो है बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। तो आप भी ये जो तरीका है अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर जो है अंडर आर्म जो है निकल के आ रही है, तो कहीं भी बाल जो है नहीं निकलता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वैक्स अप्लाई करनी है। वैक्स अप्लाई करने के बाद जो है आपको जो है टेलकम पाउडर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले ही मैंने उनको जो है टेलकम पाउडर लगा दिया था, टेलकम पाउडर लगाए, हनी वैक्स लगाए, उसके बाद अगेन से टेलकम पाउडर एंड देन दोबारा से आपको हनी वैक्सिंग लगानी है। उसके बाद जो है आपको स्ट्रिप्स लेनी है, उसको जो है अपोजिट डायरेक्शन में पुल ऑफ कर देना है। इससे आपकी जो अंडर आर्म्स है बहुत ईजिली इस तरीके से हो जाएंगी एंड क्लाइंट को पेन भी नहीं होगा। एंड आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से वैक्स हो गई है, जो उनकी टैनिंग है वो निकल गई है। तो आप देख सकते हैं क्लीन एंड क्लियर है। उसके बाद हम आए हैं दूसरी बाजू के ऊपर। तो दूसरी बाजू के ऊपर मैं आपको बता दूं, जो इनकी डायरेक्शन थी पूरी अपवर्ड थी, कहीं से भी डाउनवर्ड या बीच में से घूमी हुई कुछ भी डायरेक्शन नहीं थी। तो मैं ये जो है अपवर्ड ही अप्लाई कर रही हूँ। तो ये नहीं है कि अगर आपकी डायरेक्शन एक तरफ है तब भी आप दो दो पट्टियाँ लगा के कर रहे हो, बट इट्स अपॉन यू। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर डायरेक्शन एक तरफ है तो आप उसको एक तरफ ही अप्लाई कर दो, डबल डबल आप ना करो। इससे आपका काम भी बढ़ेगा, आपका टाइम भी वेस्ट जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो है टेलकम लगा के उनको हनी वैक्स लगाया है, उसके बाद अगेन से मैंने टेलकम लगाया है, उसके बाद जो है हनी वैक्स लगाई है। हनी वैक्स जो है बहुत गर्म गर्म आपको नहीं लगानी है, बहुत ही थिन जो है, थिक जो आपको भी नहीं करनी है, मीडियम से आपको वैक्स रखनी है। उसके बाद आपको जो है स्ट्रिप लेनी है, स्ट्रिप के बाद क्लाइंट को मोड़ना है, नीचे से स्ट्रेच करो, हल्का सा पेन होगा बट माइनर। एंड देन उसी टाइम इंस्टेंटली आपको जो हाथ रखना है एंड आप देख सकते हैं कि एट अ टाइम उनका जो पेन है उसी टाइम गायब हो जाता है। सो दिस इज़ द रिजल्ट। कहीं भी जो बाल नहीं रहा है, हल्का फुल्का एक दो बाल है जो अपोजिट डायरेक्शन में था, वहाँ पे मैंने जो है दोबारा लगा के उसको जो है रिमूव कर दिया। देन उसके बाद जो है आपको क्लाइंट के जो बाजू है, जो अंडर आर्म है, वो आपको वेट टिश्यू के साथ जो है क्लीन करने हैं। उसके बाद आपको जो है उसके ऊपर एलोवेरा जेल लगा देनी है, ताकि कोई भी रिएक्शन या इचिंग वगैरह ना हो। सो उसके बाद आपकी जो अंडर आर्म है, जो आपकी वैक्सिंग है, डन हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। टेक केयर।